हेलो माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके साथ एक और पहाड़ी डिश की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसको हम बोलते हैं पालक की धपड़ी। इसको अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है, हमारी लोकल लैंग्वेज में इसको धपड़ी बोलते हैं। इसकी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, बट मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ दादी नानी के टाइम की, जो पहले बनती थी वैसे ही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए हमें चाहिए पालक, इसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे और फिर इसको हम बारीक बारीक काट लेंगे। काटने के बाद एक कढ़ाई में हम तेल डालेंगे। मैं इसमें जख्या डाल रही हूँ, ये कुटी हुई लहसुन है, आप चाहें तो यहाँ पे हरी मिर्च भी डाल सकते हैं साथ में। इसको हम थोड़ी देर के लिए चलाएंगे। जब थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा फिर अब इसमें हम जो हमने पालक काटी हुई थी वो हम इसमें डालेंगे। इसको थोड़ी देर तक हमें चलाना है इसको, ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाएगा। अब इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। मैंने यहाँ पे बेसन लिया है, आप चाहो तो इसमें आटा भी डाल सकते हैं। इसको हम अच्छे से चला लेंगे ताकि इसके जो लम्स हैं वो निकल जाएंगे। इसके बाद इसमें लाल मिर्च डाली है, इसको थोड़ा और चला के इसमें पानी डालेंगे। आपको जितना पानी चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा चलाने के बाद इसको हम ढक लेंगे। इसको मीडियम फ्लेम में हम पकाएंगे 15 मिनट्स के लिए, ताकि ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए। अगर आपके पास कोई मैशर है तो आप इस टाइम पे उसको मैश भी कर सकते हो, ताकि थोड़ा और गाढ़ा हो जाए। और ये हमारी पालक की धपड़ी रेडी है, आप चाहो तो इसे अचार के साथ खा सकते हो। इसमें थोड़ा घी डाला है मैंने और ये हमारी डिश तैयार है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप ट्राई करोगे इसे तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी। थैंक यू।